श्रीलंका में आर्थिक महासंकट और आपातकाल के बीच पीएम महिंदा राजपक्षे की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। आसमान छूती महंगाई के बीच खाने पीने के लिए मोहताज हो रहे आम लोग, श्रीलंका वासियों को गुस्सा आ रहा है, वो बेकाबू हो रहा है। लोग कर्फ्यू के बावजूद सड़कों पर उतरकर मौजूदा हालात के सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। श्रीलंका की हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम कोलंबो में मौजूद है। श्रीलंका में आर्थिक संकट और उसके बाद लगाई गई इमरजेंसी से जुड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं श्रीलंका Top 9। आर्थिक महासंकट से जूझ रहे श्रीलंका में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आम लोगों के भारी गुस्से और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं। इस्तीफा देने वालों में पीएम महिंदा राजपक्षे के बेटे और खेल मंत्री नमल राजपक्षे भी शामिल हैं। हालांकि अभी पीएम महिंदा राजपक्षे अपने पद पर बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि पीएम भी इस्तीफा दे सकते हैं। श्रीलंका में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और खाने पीने के सामानों के लिए मोहताज हो रहे लोगों का सब्र अब टूट रहा है। सरकार ने हालात को काबू में करने के लिए इमरजेंसी के बाद 36 घंटे का कर्फ्यू भी लगाया है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। बीती रात भी कोलंबो के पास राजगिरिया इलाके में लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये लोग आपातकाल लगाने वाले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को हटाने की मांग कर रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रीलंका में हालात बेहद खराब हैं। इमरजेंसी और कर्फ्यू लगाए जाने के बाद राजधानी कोलंबो में सन्नाटा पसरा है। दुकानें बंद हैं, खाने पीने के सामानों की कीमत आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है। गैस सिलेंडर की जो कीमत श्रीलंका में है वो करीब 5,000 रुपए के आसपास है। पानी की एक बोतल 200 रुपए श्रीलंकन रुपए में मिल रही है। ब्रेड का जो पैकेट है वो करीब 1,500 रुपए का है, जो आप समझ सकते हैं एक ब्रेड की कीमत जब 1,500 होगी तो उस मुल्क में कैसी स्थिति होगी, क्या हालत होगी, इसका केवल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं अपनी आंखों से यहाँ पे जो देख रहा हूँ वो बहुत ही भयावह है। श्रीलंका में आसमान छूती महंगाई की वजह से भुखमरी के हालात हैं। खाने पीने के सामानों पर भारी किल्लत है। 16 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। लोग अपने बच्चों के साथ सड़कों पर सरकार का विरोध कर रहे हैं। No gas, we have no way of cooking, nothing. So we are very disappointed in the way how he has done things. ये पूरे श्रीलंका की हालत ये है कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके दाम आसमान पे हैं। लोगों के और एक श्रीलंकन मीडिया की ये रिपोर्ट है कि 30% ऐसी आबादी श्रीलंका में है जिसके पास खाने के लिए सामान नहीं बचा है। आटा यहाँ पे ख़त्म हो गया है, चावल यहाँ पे ख़त्म हो गया, और कई सारे पेट्रोल पम्प ऐसे हैं जहाँ पर लंबी लाइनें मैंने देखी हैं खुद अपनी आँखों से, जहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल आए और यहाँ पर मिले। श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल की मार झेल रहे लोग पूरे देश में अलग अलग इलाकों में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। कोलंबो की सड़कों पर कल दिन में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, इसमें ज्यादातर युवा थे। इन लोगों ने गाते बजाते सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कोलंबो में लोग घरों से बाहर निकलकर थाली और दूसरे बर्तन बजाकर सरकार को हटाने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि मौजूदा सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही ऐसे हालात पैदा हुए हैं। श्रीलंका के कैंडी शहर के पेरा डेनिया यूनिवर्सिटी के बाहर विरोध प्रदर्शन करने उतरे छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच कल काफी देर तक तनावपूर्ण हालात बने रहे। सरकार का विरोध करने उतरे पेरा डेनिया यूनिवर्सिटी के छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प भी हुई। लोगों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे। कल श्रीलंका में सरकार के खिलाफ पूरे देश में लोग सड़कों पर उतरे। राजधानी कोलंबो के बाहरी इलाके महारागामा में लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों को काबू करने के लिए शहर शहर भारी सुरक्षा बल तैनात है। इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के सरकारी निवास के बाहर एक 53 साल के शख्स ने बिजली कटौती के विरोध में खुदकुशी कर ली। लोगों के गुस्से को देखते हुए सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाए बैन को हटा लिया है। श्रीलंका के रत्मलाना में भी बीती रात लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। कर्फ्यू के बावजूद घरों से बाहर निकले लोगों ने इस बुरे हालात के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उधर केरल पतिया में भी महिलाएं और बच्चे बाहर निकले और पोस्टर बैनर के साथ मौजूदा सरकार को हटाने की मांग की। मुश्किल दौर से गुजर रहे श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने 40,000 मीट्रिक टन डीजल की खेप भेज चुका है। इसके अलावा भारत ने श्रीलंका को $1 अरब का कर्ज दिया है।
श्रीलंका पिछले 74 साल के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। आर्थिक संकट और कंगाली के हालात में श्रीलंका के पहुंचने की शुरुआत कोरोना दौर में ही शुरू हो गई थी, लेकिन हालात चीन समेत कई देशों के भारी कर्ज से और ज्यादा खराब हो गए। श्रीलंका पर विदेशी कर्ज 2019 में उसकी जीडीपी का 41.3% तक पहुंच गया था। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर है। महंगाई दर 17.5% से ज्यादा हो गई है। श्रीलंका की करेंसी भी 45% तक गिर गई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।